हर रोज के मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक ऐसी वीडियो को लेकर जिसमें दिखाए गए टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपके रोज के जो मुश्किल काम है वो तो आसान होने ही वाले हैं, साथ ही साथ आज ये वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल जो अपने घर के बढ़ते हुए खर्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने काम को भी आसान बनाना चाहते हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक आती है दोस्तों हमारे यहाँ पर प्याज को लेकर। वैसे तो मंडी में सब्जियां सस्ती और महंगी होती रहती हैं, लेकिन ये जो प्याज है ना ये बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्मियों में हमें लू से भी बचाता है, लेकिन इसके अलावा इसका एक बहुत ही जबरदस्त काम है जो हम में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो आज मैं आपको बताती हूँ एक और जबरदस्त सी ट्रिक। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, प्याज को ना इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो जो ये प्याज के छिलके होते हैं ना ये तो फायदेमंद होते ही हैं क्योंकि खाद का काम करते हैं और ज्यादातर तो लोग प्याज का इस्तेमाल अपनी सब्जी में तड़के के लिए या फिर सैलेड के लिए करते हैं, लेकिन आज हम प्याज का इस्तेमाल करने वाले हैं एक जबरदस्त तरीके से जो कि आप सबके काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्याज को इस तरीके से छील लीजिए और उसके बाद इसमें एक कट लगा लीजिए और इसके जो ये ऊपर के जो छिलके होते हैं इसकी पहली लेयर को इस तरीके से निकाल लीजिए। तो आपको इसी तरीके से काम करना है। अब इस तरीके से करने से इसका फायदा क्या होने वाला है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेनी है कोई भी एक सुई और इसके अंदर आपको इस तरीके से डाल देना है इस प्याज के अंदर इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जिन लोगों को छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है वो लोग इसे अपने घर के उस कॉर्नर में लटकाइए जहाँ पर छिपकली सबसे ज़्यादा आती है या फिर बार बार आपको दिखती है। बहुत सारे लोग छिपकली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन जो प्याज की जो एक गंध होती है इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है जो सिर्फ छिपकली को महसूस होती है। तो इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके उस एरिया में बिल्कुल भी छिपकली नहीं आएगी। ज़्यादातर छिपकली जो है किचन एरिया में होती है क्योंकि हमारा खाने पीने का सामान वहां पर रहता है और उसकी गंध की वजह से किचन एरिया में छिपकली सबसे ज्यादा आती है या फिर बाथरूम एरिया में। आपके घर में जहां पर भी छिपकली सबसे ज्यादा आती है आप इसे वहां पर लटका दीजिए। इसका इस्तेमाल करने के बाद ना आपके घर से छिपकली बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी। आप इस ट्रिक का यूज करिए। मैं इसको ज्यादातर अपने किचन एरिया में लटकाती हूँ क्योंकि किचन में हमारा खाने पीने का सामान होता है तो छिपकली कहीं हमारे खाने पीने की चीजों को खराब ना करे, इसके लिए मैं इसे हमेशा किचन में लटकाती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको लटकाया है आप भी इसी तरीके से अपने किचन एरिया में ड्राइंग रूम में या बाथरूम में अगर छिपकली सबसे ज्यादा होती है तो वहां पर इस तरीके से लटकाइए। ये वाली ट्रिक ना बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, खासतौर पे छिपकली को भगाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको भी छिपकली से डर लगता है तो इस वाली ट्रिक का यूज करिए आज से ही। चलिए देखते हैं हमारी अगली यूजफुल ट्रिक जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों अगली ट्रिक आपके लिए ना यहाँ पे चावलों को लेकर है। चावल का इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है क्योंकि हम इंडियन लोग हैं और चावल खाना सभी को बहुत पसंद होता है। यहाँ पर दोस्तों चावलों से जुड़ी एक जरूरी बात मैं आपको बताती हूँ। ज्यादातर घरों में ना चावल में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, चाहे बरसात का मौसम हो या फिर ना भी हो तो भी अक्सर आपने चावलों में सुरसी जैसे कीड़े पड़े हुए देखा होगा। और कई बार ज्यादा मात्रा में जब ये कीड़े पड़ जाते हैं तो उस टाइम पर इन्हें हटाने का तरीका हमें नहीं पता होता और कई बार हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए ना आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। कभी भी अगर आपके घर में चावलों में अगर कीड़े पड़ जाते हैं ना तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। आपको क्या करना है, जिस भी डब्बे के अंदर आप बर्तन में चावलों को रखते हैं स्टोर करके उस डब्बे के ढक्कन को आपको हटा लेना है और इसके बीच में रख दीजिए कोई भी एक ग्लास या फिर कोई भी कटोरी या कोई भी ऐसा बर्तन जो कि चावलों के ऊपर आप रख सके। इसके बाद आपको इसके ऊपर डालना है विनेगर। विनेगर अक्सर चाइनीज खानों में इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर दोस्तों इसी का आपको इस्तेमाल करना है। ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में भी मिल जाएगा तो वहां से भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसका काम क्या होता है, इसकी जो फ्रेगनेंस होती है ना ये कीड़ों को बिल्कुल नापसंद होती है क्योंकि इसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिससे कि कीड़े दूर भागते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके चावलों में भी कीड़े पड़ गए हैं ना तो आप इसी वाली ट्रिक का इस्तेमाल करिए। बीचों बीच आपको इसी तरीके से कोई भी एक बर्तन कोई ग्लास रख देना है और इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए और ढक्कन को ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ही देर के अंदर जितने भी कीड़े हैं ना वो आपके डब्बे से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे और आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। बीच बीच में आपको एक काम करना पड़ेगा, इस ग्लास को हटाना है। बीच बीच में आपको ग्लास को हटाने के बाद जब आपको लगता है कि कीड़े साफ हो गए हैं तो जो नीचे वाले चावल हैं
इनको ऊपर लाना है और फिर से ग्लास को इसके ऊपर रख देना है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो नीचे वाले जो चावलों में कीड़े हैं वो भी ऊपर आ जाएंगे और बहुत आसानी से आपके चावल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अगर धूप में आप इसे रख सकते हैं तो और भी अच्छा है, धूप में रखने से और विनेगर की स्मेल से कीड़े बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं। तो ये वाली ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अब कुछ टाइम बाद बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम पर ये वाली ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों, अक्सर हम सबके घर में जो फ्रिज होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर हमारे खाने पीने की दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की जाए ना तो हमारे खाने पीने की सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों, अक्सर होता ये है कि जब कभी भी हम फ्रिज में कोई भी ऐसा सामान रख देते हैं जिसमें से जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे कि हम चटनी, धनिया, लहसुन, प्याज या फिर यहाँ पर इसके अंदर अगर अचार भी खुला छोड़ देते हैं तो इसकी जो स्मेल है वो पूरे फ्रिज में फैल जाती है। कई बार जो हम फ्रूट्स मार्केट से लेकर आते हैं, जैसे अमरूद है, सेब है, तो यहाँ पर इन फ्रूट्स की स्मेल जो है बहुत स्ट्रांग होती है, जो कि हमारे खानों में भी आ जाती है। और उससे बचने के लिए ना आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप एक कटोरी के अंदर ले लीजिए करीबन 2 चम्मच चावल और 1 चम्मच चाय पत्ती। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इस कटोरी को आपको रख देना है फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रखने के बाद अपने इस डोर को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए और इसे ऐसे ही रहने दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही देर के अंदर फ्रिज में से जितनी भी खाने पीने की चीज़ों की स्मेल है वो बिल्कुल गायब हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ट्रिक है, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। आप भी इसका इस्तेमाल करिएगा, आप देखेंगे आपके जो फ्रिज में से जितनी भी गंदी स्मेल आ रही है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। इसके अलावा आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, हमेशा अपने फ्रिज के अंदर एक आधा नींबू काट कर रखिए। इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो आपके जो फ्रिज के अंदर जितनी भी गंद है, बैड स्मेल है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो आधा नींबू हमेशा अपने फ्रिज में काट कर रखिए। अगर वो सूख भी जाता है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आपके फ्रिज की जितनी भी बैड स्मेल है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर इन दो ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने फ्रिज को हमेशा फ्रेश रख सकते हैं और खाने पीने की चीज़ों को भी खराब होने से बचा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक भी बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आप में से जितने भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वक्त इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके मेरी वीडियो लोगों को कहाँ कहाँ तक पसंद आ रही है। जल्दी मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।